चित्तौड़गढ़ में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए यहां पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 31 और 1 अप्रैल को यहां पर अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं हो सके। कल 2 अप्रैल से एक बार फिर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लगभग 11:15 बजे सीपी जोशी अपना नामांकन एक रैली के रूप में जा करके दाखिल करेंगे। इससे पहले इनानी सिटी सेंटर में एक बड़ी जनसभा की तैयारियां भी जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल के भी शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से राजस्थान कवरेज के लिए गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।